असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा अपने काम करने के तरीकों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहे हैं। साथ ही अपने राज्य असम में वो किसी भी तरह की साजिश को लेकर सजग रहते हैं और एक्शन लेने के लिए जाने जाते हैं। अब सीएम शर्मा ने एक और जुमला गढ़ा है, साथ ही कहा है कि अब वो इस जिहाद को खत्म करके ही सांस लेंगे। सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि वो अब अपने प्रदेश असम से फर्टिलाइजर जिहाद को खत्म कर देंगे। ये कोई नई साजिश हो सकती है, लेकिन इसका किसी मजहब से लेना देना नहीं है। ये हिमंता बिस्वा शर्मा का एक जुमला मात्र है। दरअसल हिमंता बिस्वा शर्मा का मतलब ये था कि खेती में ज्यादा उर्वरक यानी कि फर्टिलाइजर का इस्तेमाल हो रहा है और इससे स्वास्थ्य खराब होता है। हाल ही में गुवाहाटी में प्राकृतिक खेती के विकास और कार्यान्वयन के लिए एक कार्यक्रम में हिमंता बिस्वा शर्मा ने ये कहा कि हमने अपने चुनाव अभियान के दौरान फर्टिलाइजर जिहाद के खिलाफ लड़ने का वादा किया था। हम अपने वादे पर कायम हैं। हमें खाद का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन इसकी अधिकता शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है। आपको बता दें कि पिछले एक साल में कई बैठकों के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम में जैविक खेती को प्रोत्साहित किया है। हमने अपनी रिपोर्टिंग की जांच की है। हमारी भूमि और प्रकृति पर बहुत बड़ी संभावना है, और अगर हम इसका उपयोग करना सीख गए तो हमें यूरिया, फॉस्फेट, नाइट्रोजन आदि की जरूरत नहीं होगी। विशेष रूप से असम में जब हम सरकार में आए थे, उस समय हमने कहा था कि विभिन्न खाद्य उत्पादों में अनाधिकृत उर्वरकों का उपयोग करने से असम के लोगों को नुकसान होता है, हृदय और किडनी से जुड़ी बीमारियां भी फैलती हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा ने जिहाद शब्द का इस्तेमाल क्या किया, कांग्रेस ने लगे हाथ इस मुद्दे को भुनाना शुरू कर दिया। कांग्रेस नेताओं का ये कहना है कि बीजेपी के सामने जब भी कोई मामला आता है तो वो सांप्रदायिक राजनीति शुरू कर देते हैं। असम में हर कोई जानता है कि बीजेपी के अंदर एक बड़ा टकराव चल रहा है। भाजपा के कई नेता और आरएसएस के नेता मुख्यमंत्री की तानाशाही राजनीति के खिलाफ बोल रहे हैं। कांग्रेस के मुताबिक फर्टिलाइजर के इस्तेमाल पर निगरानी करना सरकार की जिम्मेदारी है, जांच करना और नियंत्रण रखना भी सरकार का कर्तव्य है। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल ओरिजिनल्स की रिपोर्ट।